असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी शाहिद नदीम राणा की ज़ेर सदारत कोर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। इजलास में मुतल्लिका इदारों तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की शिरकत। मुहर्रमुल हराम और यौम अशूरा पर उलमाए कराम का करदार बड़ा अहमियत का हामिल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी ज़फ़र, क्या तफसीलात हैं? असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी शाहिद नदीम राणा की ज़ेर सदारत कोर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास म्युनिसिपल कमेटी में मुनक़द हुआ। इजलास में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम मुफ्ती मोहम्मद ज़हीर बाबर, मरकज़ी अहले सुन्नत नूर मसाजिद मुफ्ती मोहम्मद साजिद अबन मसूद डोगर, सैयद मेहंदी अली शाह काजमी, मतवली मरकजी इमाम बारगाह यादगार अहले बैत सैयद काशिफ अली अदा शाह काजमी, अली आबद लाइसेंस होल्डर इमाम बारगाह यादगार हुसैनी ब्लॉक नंबर 11, DSP सर्कल साजिद महमूद गोंदल, चौधरी मोहम्मद नदीम चीफ ऑफिसर बल्दिया चीचा वतनी, राव मोहम्मद असलम खान जिले रहनुमा PTI, राणा मोहम्मद अजमल खान सबक चेयरमैन बल्दिया चीचा वतनी, मलक फैसल इकबाल लंगड़िया सबक जिले नाजम साहिवाल, डॉक्टर शाह रसूल गिरेवाल MSTHQ, राणा अनामुल हक मैपको चीचा वतनी, सदर मरकजी अंजमन ताजरान मोहम्मद यूसुफ जमाल टिक्का, मियाँ मोहम्मद जफर रहमानी साबक सीनियर नायब सदर तहसील प्रेस क्लब, जफर इकबाल अंसारी सदर तहसील प्रेस क्लब 1122 का अमला समेत तमाम मुतल्लिका अदारों के अफसरान बाला ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी ने तमाम उलमाए कराम बिलखसूस शिया रहनुमा सैयद मेहंदी अली शाह काजमी सैयद काशिफ अली शाह काजमी की तरफ से मुहर्रमुल हराम और यौम अशूरा के मौका पर दरपेश मसाइल का सुना और उनके फौरी हल की दहानी भी करवाई। इस साल सफाई सुथराई सिक्योरिटी के इंतजाम पर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तमाम आतमी जुलूसों को CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी शाह नदीम राणा ने कहा कि मुहर्रमुल हराम बहुत अजीम महीना है। इस मुकद्दस महीने में नवाज साए रसूल इब्ने हैदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानदान अहले बैत दीन इस्लाम को बचाने के लिए लाजवाल कुर्बानी पेश करके दीन इस्लाम को जिंदा किया। आज हमें भाईचारा को कायम करने की जरूरत है। हज़रत इमाम हुसैन और शोदा करबला के ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस से बचने और इसके फैलाव को रोकने के लिए हमें तमाम हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। इन दिनों में अमन अमान को कायम रखना और माहौल को खुशगवार रखने के लिए आपको इंतजामिया से भरपूर तआवुन करना होगा। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम से तवक्का रखता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर भी आपकी तरफ से भरपूर तआवुन किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि फ़िरका वारियत को फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती मोहम्मद ज़हीर अहमद बाबर ने मुल्क की सलामती और मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। कैमरामैन यासिर लतीफ़ के साथ ज़फ़र इकबाल अंसारी, सेंट्रल न्यूज़, चीचा वतनी।